हेलो स्टूडेंट्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति पढ़ेंगे। पीछे हम लोग अपना भौतिक जगत और अपना मापन और मात्रक पद्धतियां पढ़ चुके हैं, तो अब तीसरा चैप्टर है क्या हम लोगों का, सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा तो आप लोगों ने वैसे जानी है कि कैसी होती है। सामान्यतः इस सीधी रेखा को ही आप सरल रेखा कहते हैं, लेकिन हम आपको बता दें इस प्रकार की रेखा को भी हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। सरल रेखा से आप अर्थ क्या निकालेंगे? सरल रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसके किन्हीं भी दो लगातार बिंदुओं के बीच के कोण को यदि आप नापें तो उनके बीच का कोण का मान हमेशा समान और बल्कि कितना होगा, 180 अंश। रेखीय कोण बनाएंगे वो, 180 को आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है 10th क्लास में, रेखीय कोण बोलते हैं। तो जिस रेखा के लगातार दो बिंदुओं पर 180 अंश का कोण पाया जाएगा उसे आप सरल रेखा कह देंगे। और इसी रेखा पर जो भी वस्तु गति करेगी या फिर यहाँ वहाँ जाएगी आएगी, तो उस गति को या उस कहने को हम लोग विस्तार क्या बोलना चाहिए, स्थिति परिवर्तन को हम लोग क्या कहें, गति। क्योंकि जिस चीज़ की हम लोग परिभाषा बना रहे हैं तो गति की परिभाषा में गति तो बोल नहीं सकते, तो स्थिति परिवर्तन को ही गति कहते हैं सामान्यतः। तो जब आप लोग सरल रेखा में स्थिति परिवर्तन दिखलाते हो तो उसे हम लोग बोलेंगे सरल रेखीय गति। तो सीधी बात, इजी वर्ड्स में हम आपको ये बोलेंगे कि यदि हम लोग बिना मुड़े गति कर रहे हैं एक ही दिशा में, एक ही रेखा में, तो उस वाली गति को हम लोग क्या कह देंगे, सरल रेखा में गति। यदि आप मुड़ जाओगे तो मुड़ने के अर्थ है आपने दिशा क्या कर दी, बदल दी, तो फिर वो आपकी एक रेखीय गति नहीं कहलाएगी, वो हो जाएगी एक रेखीय से दुई रेखीय, मतलब समतल में गति, जो कि आप लोगों को अगले चैप्टर में पढ़नी है। तो आशा करते हैं ये आपने समझा और इसको आसानी से आसान शब्दों में आप किसी और को भी समझा सकते हो, मेन तो अपने आप को समझाना है आपको। तो फिलहाल हम अपने मैटर पे आते हैं। वापस हमने लिखा क्या है, चैप्टर 3 सरल रेखा में गति, ये आप पढ़ेंगे। तो गति मतलब हमने सामान्यतः बोला स्थिति परिवर्तन, कभी कभी स्थिति परिवर्तन नहीं भी होती है, लेकिन आप बैठे बैठे कोई काम करते रहते, जैसे हमारा देखो हाथ हिल रहा है तो हाथ की स्थिति बदल रही है लेकिन हमारी स्थिति नहीं बदल रही है, तो इस वाले शब्द के लिए हम लोग बोलेंगे स्थिर अवस्था। तो यदि कोई वस्तु अपने चारों ओर के वातावरण के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदलती है, ठीक है, तो वह वस्तु किस अवस्था में कहलाएगी, विराम अवस्था में कहलाएगी, विराम गति भी कह देंगे इसको आप। तो गति को सामान्यतः आप लोग बोलते हैं कि गति का मतलब तो हिलना डुलना है, बाकी मान लेते हैं कि ये विराम गति है या विराम अवस्था है। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखें कि ये वाली फुटबॉल हमने बना के दी, अब पूरा चित्र तो पिक्चर तो नहीं दिखा पा रहे हैं हम यहाँ पर आपको, बाजू वाले से आप तुलना कर सकते हैं कि बाजू वाले में जो फुटबॉल है वो भी चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो फुटबॉल है हम लोगों की एक ही जगह पर स्थिर, जबकि आजू बाजू के कोई ऑब्जेक्ट होंगे, यहाँ पर आजू बाजू समझो कुछ पक्षी होंगे या व्यक्ति होंगे, तो व्यक्ति तो क्या कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे, लेकिन ये जो वस्तु है अपनी स्थिति को बदल नहीं रही है, जिसकी अवस्था को हम लोग क्या नाम दे देंगे, विराम अवस्था या विराम गति, ठीक है। अब गति अवस्था या फिर मोशन, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, जब कोई वस्तु अपने वातावरण के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति को बदलेगी तो उसको आप बोलेंगे गतिज अवस्था, ठीक है। तो सबको इतना बोलना है कि यदि हम जैसे हम ये खड़े हुए हैं आपके सामने, तो हम अपने आसपास की स्थिति के यानी आसपास के वातावरण के अनुसार किसी प्रकार से कोई मूवमेंट या कोई अवस्था परिवर्तन नहीं दिखला रहे हैं, तो हमारी अवस्था को बोलेंगे विराम अवस्था। अब लेकिन हम ये क्या करने लगे हैं, गति करने लगे हैं, तो इस गति करने वाली अवस्था को बोलेंगे अब गति अवस्था। आगे चल जाएंगे तो इजी वर्ड्स हैं, अभी तो परिचय चलेगा, आगे मेन कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे आपको, ये तो सब आपके लघु उत्तरीय परीक्षाओं में काम में आएंगे। अब बिंदु वस्तु क्या होती है, तो बिंदु वस्तु को आपको देना पड़ेगा, हम लोग तो ये मानते हैं कि मैथ्स में या फिजिक्स में हर एक वस्तु को आप बिंदु बोलेंगे, या फिर जो पूरी दुनिया की उत्पत्ति ही किससे हुई, बिंदु से हुई है। तो यहाँ पे इस वाले चैप्टर में बिंदु से क्या आशा लगाएंगे, फिर बोल जी कि बिंदु को बिंदु ना बोल के बिंदु वस्तु कहेंगे। तो यदि वस्तु द्वारा चली गई दूरी उसके आकार की तुलना में, आकार के तुलना में बहुत अधिक है या अधिक होती है, तो उस वस्तु को आप बिंदु वस्तु के नाम से जानेंगे, ठीक है। उदाहरण भी हमने पीछे जैसा लिया है फिर से आपके लिए, उदाहरण के लिए फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल द्वारा तय की गई दूरी उसके आकार की तुलना में बहुत अधिक होती है, इस स्थिति में फुटबॉल को उस मैदान के सापेक्ष अपनी स्थिति के सापेक्ष क्या माना जाएगा, बिंदु वस्तु माना जाएगा। या फिर दूसरा उदाहरण आप कोई भी ले लें, यदि आप मान लीजिए कि आप आगरा से दिल्ली जा रहे थे, ठीक है, आप आगरा से दिल्ली जा रहे हैं, तो आपकी कार जो है आगरा से दिल्ली जाएगी, तो हमारी जो कार है वो आगरा से दिल्ली जा रही है, तब आगरा से दिल्ली की दूरी आपने मान ली लगभग में 200 किलोमीटर है। अब 200 किलोमीटर तो बहुत लंबी डिस्टेंस होती है, जो कार है अधिकतम कितने फिट की, 10 से 10 फिट, 12 फिट, 15 फिट,
मतलब किलोमीटर से तुलना ही नहीं कर सकते, अब इतना छोटा बनेगा फिट जो है किलोमीटर के सामने। तो आपकी कार जो है अगर दिल्ली तक जा रही, तो इस दूरी के सामने हमारी कार को हम लोग क्या मानेंगे? तो कार हो जाएगी हमारी बिंदु वस्तु, तो कार हो जाएगी बिंदु वस्तु। तो इतना टफ थिंग है टॉपिक, तो बस आखिरी में आपको ये बोलना है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो यहाँ वहाँ गति करता रहता है और गति के दौरान उसने बहुत अधिक लंबाई तय कर ली है, तो उस बहुत अधिक लंबाई के सापेक्ष हमारी जो वस्तु है वो क्या कहलाएगी? बिंदु वस्तु। ठीक है, आगे चलते हैं। फुटबॉल का बनाना आप देख ही पा रहे कितना बड़ा है, उसके लिए फुटबॉल क्या कहलाएगी? बिंदु वस्तु, यहाँ वहाँ घूमने के लिए। तो बिंदु वस्तु भी आप अपने आप में एक छोटा सा और इजी से टॉपिक था, बस आपको ये याद रखना है कि हम सब लोग यहाँ पे क्या कहलाएंगे, यहाँ पे बिंदु वस्तु भी बोल सकते हैं। वस्तु को आप पूरा नाम बिंदु वस्तु दे सकते हैं, जो गति करती रहती है। अगला क्या है? एक बिमीय गति, जो आपने पीछे सीखा। बिमा का मतलब क्या होता है? दिशा। बिमा का पर्यायवाची क्या है? तो आप बोलेंगे दिशा। तो एक दिशा गति भी बोल सकते हैं, एक दिशा में गति ही क्या कहलाती है? एक बिमीय गति कहलाती है। तो यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति को आप एक बिमीय गति कहेंगे। यदि कोई वस्तु केवल सरल रेखा में गति करे, जैसे पीछे आपने हमें बताया, हमने आपको बताया था कि यदि हम लोग सरल रेखा में गति कर रहे हैं, यदि हम लोग सरल रेखा में गति कर रहे हैं तो उस गति को हम लोग क्या कहेंगे? एक बिमीय गति कहेंगे। ठीक है, उसको हम लोग एक बिमीय गति कहेंगे। जैसे हमने फिर से बोला ही वो आपसे कि हम लोगों को मुड़ के नहीं चलना है, ये नहीं कहलाएगा। बस आपको क्या करना है? एक ही दिशा में चलना है। तो यदि कोई वस्तु सरल रेखा, मतलब इस प्रकार से सरल रेखा में गति करती है, तो उसकी गति को आप क्या कहेंगे? सरल रेखा में गति कहेंगे। तो हमें इस प्रकार की गति नहीं दर्शानी, हमें इस प्रकार की गति दर्शानी है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सरल रेखा में गति को ही एक बिमीय गति, अर्थात एक ही दिशा में जा रहे हैं। जैसे हम लोग यदि यहाँ पर बात करें, हम यहाँ से निकले, यहाँ पर सामान्यतः पश्चिम होता है, और पश्चिम से आप पूर्व की ओर गए, तो यदि आप पश्चिम से पूर्व की ओर ही जाते रहोगे तो वो कहलाएगी आपकी एक बिमीय गति। लिंग किंतु हम यहाँ पे कहाँ की ओर मुड़ गए? दक्षिण की ओर, मतलब आपने पहले पूर्व गए फिर दक्षिण, तो कितनी गति हो गई? दो बिमीय गति। तो इसको हम लोग एक बिमीय गति नहीं मान सकते, ये वाली हमारी ऊपर वाली एक बिमीय गति है। तो एक बिमा का अर्थ है एक दिशा में गति, और सीधे शब्दों में सरल रेखा में गति। उदाहरण क्या देखते हैं आप इसके? यदि आप सीधी सड़क पर गति कर रहे हैं, कार की गति जो है बस जा रही है लेकिन मुड़ना नहीं है, उस स्थिति में आप क्या मानेंगे उसको? एक बिमीय गति। रेलवे ट्रैक पर रेल की गति आगे पीछे मान सकते हैं, लेकिन मुड़ने की आपको अनुमति नहीं है। ठीक है, तो रेलवे ट्रैक की गति हमने भी दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे कि रेलगाड़ी लगातार आगे जा रही है, तो रेलवे ट्रैक पर रेल की गति। ऊर्ध्वाधर गिरते पिंड की गति, ऊर्ध्वाधर गिरता हुआ पिंड कैसा होगा? कि कोई पिंड जो है ऊपर से कहाँ की ओर आ रहा है? नीचे की ओर। गति की आप कैसे दिखलाएंगे? तो वो उत्तर से कहाँ की ओर आ रहा है कहने को? दक्षिण की ओर। तो केवल एक ही दिशा में उसकी गति चलायमान है, इसको भी हम लोग क्या नाम दे देंगे? एक बिमीय गति। तो बस इतना लंबा समझने की आवश्यकता नहीं, बस आपको तो इतना याद रखना है एक ही दिशा में अर्थात एक बिमा में गति को हम लोग एक बिमीय गति कहेंगे। एक रेखा में चलना आपको, जिसमें दिशा बदलने का अधिकार वस्तु के पास नहीं होता है, ऐसी गति को हम लोग एक बिमीय गति कह देंगे। और आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हम लोग द्विबिमीय गति। जब कोई वस्तु तल में गति करती है, तल क्या होता है? तल को आप बोलेंगे प्लेन, और प्लेन जो होता है उसकी कुछ लंबाई और साथ में क्या होती है? चौड़ाई। यदि हम इसको लंबाई कह देते हैं, इसको चौड़ाई कह देते हैं, तो लंबाई जो है वो किस दिशा में फैली है? पूरब से पश्चिम, गलत हो जाएगा, यहाँ पे पश्चिम लिखना है, ये पूरब हो जाएगा और ये पश्चिम, और यहाँ पे उत्तर, तो नीचे के मतलब दक्षिण। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों दिशाओं में फैल गए हैं। तो आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। तो इस वाली गति को हम लोग क्या कह देंगे? द्विबिमीय गति। तो जब कोई वस्तु तल में गति करते तो उसकी गति को हम लोग द्विबिमीय गति कहते हैं। जैसे टेढ़े मेढ़े मार्ग पर, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग कैसे मानते हैं आप? टेढ़ा मेढ़ा मार्ग इस प्रकार से, आप ये गए फिर ये गए फिर ये गए फिर ये गए, तो कभी आपकी दिशा ये है तो कभी आपकी दिशा ये थी। और सबसे बड़ी बात, एक बिमीय गति में आपको मोड़ नहीं मिलेंगे, एक बिमीय गति में आपको मोड़ नहीं मिलेंगे, और यहाँ पर आपको मोड़ मिल रहे हैं। या फिर जो पीछे हमने परिभाषा बताई आपको कि जहाँ पर लगातार दो बिंदुओं के बीच का कोण चेंज नहीं होगा, पर यहाँ पर कोण चेंज होगा। ठीक है, हमने कुछ उदाहरण और दिए। नदी में नाव की गति, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पर नदी में नाव की गति क्या है? तो नाव जो है हम लोग इस दिशा में, नाव जो है इस दिशा में या उस दिशा में मुड़ सकती है, तो इसकी गति को हम लोग क्या नाम दे देंगे? नदी में नाव की गति को हम लोग द्विबिमीय गति कह देंगे। कैरम की गोटी, कैरम तो आप लोगों ने खूब खेला है, कई लोगों का फेवरेट गेम भी होता है, अब इसी को हम कैरम का रूप दे लेते हैं। तो जो गोटियां हैं यहाँ भी जा सकती हैं, यहाँ भी जा सकती हैं, मतलब सीधी बात उनके पास मुड़ने का अधिकार, टकरा के वापस आ सकती है। तो इस वाली गति को हम लोग क्या कह देंगे? द्विबिमीय गति। तो जहाँ पे मोड़ होंगे वहाँ पे आप क्या कह देंगे? द्विबिमीय गति, लेकिन केवल एक मोड़ अलाउ है, ये मानना चाहिए आपको।
तो दो रेखाओं में गति या दो दिशाओं में गति द्विविमीय गति कहलाएगी। तो ये टॉपिक भी इजी है, अभी तो आगे बढ़ते रहते हैं। त्रिविमीय गति, यदि कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो उसकी गति को आप त्रिविमीय गति कहेंगे। त्रिविमीय से अर्थ क्या है, अब हमारी कोई वस्तु आकाश में से हम लोग पतंग वतंग और चिड़िया को देखते रहते हैं, तो जैसे आप यदि आप किसी मैदान में खेल रहे हो, ठीक है, हमने जैसे पीछे लिया आपको केवल सड़क, तो सड़क में यदि आप एक आगे पीछे जा रहे हो तो ये वाली कौन सी गति हो जाएगी हमारी, एक विमीय। अब यदि आप एक मैदान में हो तो मैदान में आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, द्विविमीय गति। और अब लोग हम लोग पढ़ने आए हैं कौन सी, त्रिविमीय गति। तो त्रिविमीय गति में क्या होगा, आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं और साथ में कहाँ भी जा सकते हैं, ऊपर। तो चित्र कैसे बनाते हैं इसका, इस प्रकार से त्रिविमीय आकृति बनाओगे आप इसके लिए, ठीक है। तो जहाँ पे आप तीन विमाओं का अध्ययन करेंगे, फिर तीनों विमाओं में गति करेंगे, तो उसको हम लोग कह देंगे त्रिविमीय गति, जहाँ पे हम लोग केवल ऐसे और ऐसे नहीं जाके साथ में कैसे भी जा पाएंगे ऐसे। तो अब थोड़ा सा त्रिविमीय हम लोग अपना फिजिकली मूवमेंट से गेस्चर से देख लेते हैं कि हम लोग केवल ऐसी ऐसी गति कर रहे हैं तो एक विमीय गति है, ऐसे के साथ में आप ऐसे भी चले गए तो ये हो जाएगी द्विविमीय गति। अब ऐसे गए ऐसे गए और साथ में कहाँ भी जा सकते हो, ऊपर, मतलब कितनी दिशाओं में जा रहे हैं आप, ऐसे जाके ऐसे भी जा रहे हैं मतलब मुड़ रहे हैं, और साथ में ऊपर नीचे भी जाए तो आगे पीछे आजू बाजू ऊपर नीचे, इस प्रकार से तीनों दिशाओं में गति करने को आप कहेंगे त्रिविमीय गति। तो ये वाला उदाहरण हो जाएगा हम लोग त्रिविमीय गति। क्या पक्षी की गति या पतंग की गति या गैस के अणु, हम लोगों को पता गैस के अणु भी कभी स्थिर नहीं होते हैं, गैस के अणु लगातार कहीं भी गति करने को स्वतंत्र होते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से पक्षी पतंग और गैस के अणुओं की गति को हम लोग त्रिविमीय गति कहेंगे। पीछे मैथ्स में भी आपने पढ़ रखा है केवल सरल रेखा को मापना अर्थात लंबाई बस है, ठीक। द्विविमीय गति मतलब तल को मापना, तो आपको क्षेत्रफल चाहिए पड़ेगा। त्रिविमीय गति में आप लोग बेलन शंकु घन घनाभ इन सब के आयतन निकालते, अर्थात आपको तीन विमाओं का मान पता होना चाहिए आयतन के लिए। तो कुछ बेसिक शब्दावली जो आगे के सवालों में हम लोगों के काम में आएंगी और आगे के कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके काम में आएंगे, कुछ समझें, कोई भी डाउट होने पर हमसे संपर्क करें। अब दूरी क्या होती है, हमने गतियाँ तो पढ़ ली हैं, तो गति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अब हम लोग गति करेंगे तो ऐसे थोड़े ना करेंगे, तो गति का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों की स्थिति में परिवर्तन हो। तो स्थिति में जब परिवर्तन होगा तो हम लोग यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे, तो यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपने एक विशेष लंबाई को तय कर लिया, तो उस तय की गई लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, दूरी। तो दूरी डिस्टेंस क्या है, किसी वस्तु द्वारा किसी भी समय में, ठीक। इस वाली लाइन को आपको अंडरलाइन करके याद रखना है क्योंकि आगे आपको पढ़ना है विस्थापन। किसी समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई को ही आप क्या कहेंगे, दूरी। तो दूरी एक प्रकार की लंबाई है, ठीक। तो लंबाई और दूरी को आप हिंदी में पर्यायवाची के नाम से पढ़ेंगे, हिंदी भी तो पढ़ना हम लोगों को, तो लंबाई और दूरी परस्पर पर्यायवाची मान सकते हैं। और आप सबको पता है कि लंबाई का मात्रक आप लोग क्या बताएंगे, मीटर। तो दूरी का मात्रक भी क्या हम लोगों को पता है, मीटर। यदि आपके पास स्केल है और स्केल से आपने कोई लंबाई नापी तो वो भी किस में आएगी, मीटर में। और यदि आपने बोला कि हमने यहाँ से लेके वहाँ तक की कोई दूरी तय की है, दो भी किस में नापेंगे, मीटर में ही। जैसे दोनों का मात्रक मीटर, इसलिए दोनों को आप एक पर्यायवाची मान सकते हैं। बस यहाँ पे आपको ये बोलना है किसी समय में तय की गई रास्ते की लंबाई, किसी समय में तय की गई लंबाई को ही क्या कहना है आपको, दूरी। अभी किसी बोलना है, अब किसी मतलब किसी भी दिशा में जा रहे हो, आपको दिशा के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको परिमाण चाहिए, लंबाई तय करना है कहाँ जा रहे इससे मतलब नहीं है। हम लोग सुबह से घूमने जाएंगे, सुबह से जब आप घूमने जाओगे तो कहीं भी निकल जाओगे सामान्यतः, टारगेट फिक्स आपने नहीं किया, कभी 200 मीटर चल के आ गए, कभी 300 मीटर, तो कभी 100 मीटर, तो कभी 1 किलोमीटर चल के भी या दौड़ के भी आ जाएंगे आप। तो उस स्थिति में हम लोग को जो कि दिशा या लक्ष्य निर्धारित नहीं है, तो उस वाली दूरी को हम लोग, उस वाली लंबाई को हम लोग दूरी कहेंगे। अर्थात दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। तो एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे चलते हैं, अगला क्या लिखा है इसका, ऐसा ही मात्रक मीटर जो आपने पीछे चर्चा कर ली है, और विमीय सूत्र इसका केवल क्या निकल गया, केवल इसके पास L है तो अर्थात L बस लिखेंगे, फिर M और T के साथ में आप 0 लगा देंगे, तो इसका विमीय मात्रक केवल और केवल विमीय सूत्र केवल M निकलेगा। गलत बोले हम L निकलेगा, M फॉर गलत बोले हम, फिर से सही बोल देते हैं, L निकलेगा, ठीक है। तो इजी टॉपिक है ये, तो ज़्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है अभी इस पर। आगे चलते हैं, विस्थापन क्या है, तो विस्थापन भी एक प्रकार से दूरी का पर्यायवाची हम लोग हिंदी में मान सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है इसमें, जो उसी अंतर को आप लोगों को याद रखना है। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं, या फिर पीछे की परिभाषा उठाएं, हमने पीछे देखा था कि दूरी में आप बोल रहे थे किसी समय,
तो यदि आप इस प्रकार से किसी समय में तरीके की लंबाई को लिखना चाहते, इसी फॉर्म में परिभाषा लिखना चाहते हैं, किसी समय में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। तो हमने पीछे बताया आपको कि दूरी लंबाई पर्यायवाची, अब हम बोल रहे हैं आपसे दूरी और विस्थापन पर्यायवाची। आगे जाके हम लोगों को बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करना है, तो वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टों में आपके काम में आएंगे, फिर आपके यहीं 11th क्लास में भी ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं। तो विस्थापन की एक और परिभाषा क्या लिखी मिल सकती है आपको, विस्थापन में आप यहाँ तो किसी भी बोल दिया है, तो अब यहाँ कुछ सामान्यता आप लगा दोगे एकांक समय में, तो एकांक समय में तय की गई लंबाई को ही आप क्या कह सकते हो, मतलब निश्चित कर दिया आपने किसी किसी चीज़ को, ठीक दिशा में लेके आ गए आप, निश्चितता जब हो आ जाती है तो उसको हम लोग दिशा बोल देते हैं। आप सबको याद है पहले से 10th क्लास से ही, 10वीं क्लास से ही, कि विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है। तो एक दूसरी परिभाषा आप क्या पढ़ेंगे, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक भी दूरी की भांति लंबाई है, तो इसका ऐसा ही मात्रक भी क्या रहेगा, मीटर रहेगा। अब यहाँ पे हम गलती नहीं करते, इसका लेंथ से लेते हैं एल, ना कि मीटर से हम लेते हैं, तो लेंथ से एल लिए तो इसका विमीय सूत्र केवल और केवल क्या बनेगा, इसका विमीय सूत्र केवल और केवल एल बनेगा, और एम और टी को आप जीरो के साथ लिख के दिखाएंगे। इसका विमीय सूत्र आप एम और टी को जीरो के साथ लिखेंगे, एल पे आप एक की पावर या फिर कोई पावर नहीं लगे, मतलब एल की वैल्यू बस है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब एक चित्र बनाया हमने जो पीछे की स्लाइड में भी दिया था आपके लिए, तो यहाँ पे भी आपको वही सेम चित्र लिया है। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको, यदि हम लोग ए से लेके बी तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई हम लोग तय करेंगे। तो यदि हम लोग सीधे जाएंगे इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, विस्थापन। यदि आप सीधे जाएंगे तो ये कहलाएगा विस्थापन, किंतु यदि आप इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े रास्तों का उपयोग करेंगे, तो उस वाली चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस या फिर दूरी। तो यदि हम लोग ऊपर वाली परिभाषा को लें, तो किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को, तो हम लोगों ने जाने के लिए रास्ता अपनाया है ये। अब लेकिन इस प्रकार से रास्ते में लंबाई का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो उस अव्यवस्थित रास्ते की लंबाई को हम लोग दूरी कहेंगे। लेकिन यदि हम लोग सीधे जाएँ हवाई रास्ते से, इसको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे आकाशीय दूरी, तो आकाशीय दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। तो इसका पर्यायवाची भी हम आपको लिख देते हैं, मिलेगा आप लोगों को आगे की बुक्स में, विस्थापन को आप आकाशीय दूरी, तो आकाशीय मार्ग में ज़्यादा मुड़ने की या लगाना है साथ में, आकाशीय लिखे मैं उसको जगह का में, तो इतना चल जाएगा। तो हम लोग जब इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े रास्तों को फॉलो करते जा रहे, मतलब बार बार मुड़ रहे हैं आप, तो उसको दूरी कहेंगे। लेकिन आप सीधे जाते गए तो स्थान आपको देखो, लक्ष्य तो यही है हमारा, तो लक्ष्य भी है और साथ में आपने सीधी दूरी तय कर ली, लंबाई तय कर ली, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, विस्थापन। तो विस्थापन में बस आपको ये बोलना है कि आपको एक सीधी रेखा में गति करके न्यूनतम लंबाई तय करना है, उसको बोलेंगे हम लोग विस्थापन। आगे चलते हैं, इसको हमने आगे और समझाया भी, तो बस आपको इतना याद रखना है, किसी भी प्रकार की लंबाई दूरी, लेकिन न्यूनतम लंबाई विस्थापन, और विस्थापन सदिश है, क्यों, क्योंकि आपको न्यूनतम है, एकांक समय निश्चित है, दिशा निश्चित है, उद्देश्य निश्चित है, इसलिए वो सदिश है। परिमाण के साथ दिशा भी चाहिए आपको। तो दूरी और विस्थापन जो पीछे हम लोग डिटेल में चर्चा कर रहे थे, उस पर हमने आपको कुछ अंतर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में या एकांक समय में चली गई दूरी को आप क्या कहेंगे, विस्थापन। तो जहाँ पर निश्चितता आ जाएगी विस्थापन, अनिश्चितता है तो दूरी, ठीक है। यह एक अदिश राशि पीछे आपने ले लिया, परिभाषा से भी बन रही है, और यह एक सदिश राशि है। तो अदिश राशियाँ जो हमेशा धनात्मक होती हैं, मोस्टली हम लोग जो मैथ्स करते थे 10th क्लास तक की, तो उसमें हम लोग हमेशा धनात्मक राशि लेते थे, और कभी कभी कुछ आंसर जैसे हम लोगों की लंबाई है, क्षेत्रफल है, मात्रक हैं, ये हम लोगों के मतलब बोलम लंबाई है, क्षेत्रफल है, आयतन है, और कभी कभी वो धनात्मक आते भी थे, तो हम लोग बोलते थे धनात्मक चिन्ह की उपेक्षा करने पर, अर्थात वो कैसी राशियाँ होती थी, अदिश। तो अदिश राशियाँ हमेशा धनात्मक होती हैं, तो उनमें धनात्मक चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन विस्थापन जब पढ़ेंगे आप, तो यह हमेशा धनात्मक होगा, गलत बोले हम, यह धनात्मक होगा अथवा शून्य भी हो सकता है। इसको कैसे समझाएंगे, दूरी में तो क्या है, दूरी आप यहाँ पे हो, ठीक है, दूरी की बात हो रही है, दूरी में आप यहाँ पे हो और यहाँ से यहाँ गए तो दूरी होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ गए तो भी दूरी होगी, और यदि आपने दूरी ही मतलब यहीं पर रहे,
तो दूरी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कि दूरी मतलब होती ही नहीं है ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जब विस्थापन की बात होगी, आपने टारगेट लिया ये हमारे प्रारंभिक बिंदु है और यहाँ से हमें कहाँ जाना है, यहाँ की ओर जाना है, तो यदि आप इस दिशा में जाएंगे तो वो धनात्मक विस्थापन कहलाएगा, लेकिन यदि आप उसकी दिशा में जाके कहाँ की ओर चले गए, इस साइड, तो वो क्या है, ऋणात्मक। और यदि आपने विस्थापन नहीं दिखलाया, फिर विस्थापन तो दिखलाया लेकिन वापस आ गए आप, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो। तो या तो आप अपनी स्थिति परिवर्तन ना करें तो भी जीरो विस्थापन रहेगा, या फिर आप जहाँ पे गए वापस कहाँ पे आ गए, अपनी ही दिशा में, तो दूरी तो तय की है आपने लेकिन विस्थापन क्या हो गया, शून्य, क्योंकि पीछे परिभाषा देखा था आपने कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थितियों के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। तो यहाँ पे आपने भले बहुत सारी दूरी तय की, विस्थापन कहते हैं, गलत बोला, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की लंबाई को हम लोग विस्थापन कहते हैं। और यदि हम लोग ये मानते हैं कि हम यहाँ से यहाँ गए और वापस यहाँ पे आ गए, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सेम हो गई, तो दूरी तय करने के बाद भी विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन जो है धनात्मक, जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में होने पर, ऋणात्मक यदि आप दिशा के विपरीत दिशा में गति करेंगे तो ऋणात्मक, और यदि आप स्टेबल हैं वापस आ गए हैं तो वो जीरो भी हो सकता है, लेकिन दूरी जीरो और ऋणात्मक नहीं होती है, केवल धनात्मक होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम इतना ध्यान दिया है यहाँ पे, आप भी समझने की कोशिश करें और याद भी रखें। यह पथ की प्रकृति पर निर्भर करती है, या किसकी प्रकृति पर निर्भर करेगी, पथ, जो हमने पीछे देखा चित्र बनाया था, यदि पथ आपका टेढ़ा मेढ़ा है, कभी सीधा है फिर टेढ़ा मेढ़ा है, तो दूरी का मान बढ़ता जाएगा फिर घट भी सकता है, ठीक है, सीधी बात पथ की प्रकृति पर निर्भर करेगी। अब लेकिन विस्थापन जो पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगी, मार्ग आपका कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना हो, ऐसा ऐसा हो, हमें तो बस यहाँ से यहाँ पहुँचना है, जिसके लिए आप क्या करेंगे, जिसके लिए आप सीधे यहाँ से लेके कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पे। तो विस्थापन जो है पथ की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करेगा, हम लोग की फिजिक्स की बात हो रही है, बाकी व्यवहारिक जीवन में तो करेगा, तो वो तो उसको दूरी मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये व्यवहारिक जीवन में पथ पानी, व्यवहारिक जीवन में मतलब नहीं, हम जो फिजिक्स की बात करते हैं तो पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, हम लोग मान लेंगे हम लोग आकाश से उड़ के सीधे कहाँ चलेंगे ऐसे, और ऐसी ऐसी गति नहीं दर्शाएंगे। तो विस्थापन जो है पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अब आगे जाके देखते हैं, विस्थापन यह मतलब दूरी जो है विस्थापन के बराबर हो सकता है, ठीक है, या उससे अधिक होगा। जैसे हमने ये चित्र बनाया, यदि आपका मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, ये आपका प्रारंभिक स्थान है और ये हमारा अंतिम स्थान, लास्ट, इनिशियल और लास्ट, या प्रारंभिक और अंतिम, तो यदि आप इस प्रकार दूरी तय करते जाओगे तो दूरी का मान तो बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन विस्थापन हमेशा क्या रहेगा, ये रहेगा। तो विस्थापन का मान छोटा है और दूरी का मान कैसा, बड़ा है, या फिर हो सकता है आपको सीधा रास्ता मिल जाए, आपको रास्ता ये मिल जाए इस प्रकार से, तो इस वाले रास्ते पे आप विस्थापन और दूरी दोनों के मान कैसे हो सकते हैं, समान, ठीक है। तो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर दूरी का मान बढ़ जाएगा, विस्थापन छोटा हो जाएगा, सीधे रास्तों में दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा दूरी छोटी हो जाए, दूरी होगी ही नहीं, शून्य नहीं बोलते दूरी को, दूरी होगी ही नहीं, लेकिन दूरी जब भी होगी तो या तो विस्थापन से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी। तो इसी बात को आप उल्टा करके लिख देंगे, यह मतलब विस्थापन दूरी के बराबर या उससे कैसा होगा, कम, तो इस वाली स्थिति में विस्थापन कम, इस वाली स्थिति में विस्थापन दूरी के बराबर है, ठीक है। तो ये जी पॉइंट्स थे, इनको आपको समझ के चलना, ताकि आगे के जो हम लोग जो भी मैंने थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे, या फिर हम लोग अभी आगे जाके त्वरण पढ़ना, गति के समीकरण पढ़ना, वेग पढ़ना, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे इन कॉन्सेप्ट्स का आप आसानी से उपयोग कर सकें। और आगे चलते हैं, तो वेग आ गया, हमने पीछे विस्थापन पढ़ लिया तो वेग तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो किसी वस्तु द्वारा एक निर्दिष्ट, ठीक है, निर्दिष्ट दिशा या स्पेशल या फिर विशेष बोल सकते हैं, तो निर्दिष्ट दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को ही आप क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। तो वेग बराबर है निर्दिष्ट दिशा में दूरी बटे में समय, या फिर पीछे की क्लासेस में आपने हमारे ख्याल से भी पढ़ रखा है कि सर हमने तो ये पढ़ा, आप ये क्या बता रहे हैं। तो निर्दिष्ट दिशा में दूरी को या फिर एकांक दिशा में या एकांक समय में तय की गई दूरी को हमने पीछे क्या बोला, विस्थापन। तो इसका बेसिक फॉर्मूला आप लोगों ने 10th क्लास में हमारे ख्याल से ये पढ़ा है। तो दोनों ही बातें आपस में समान है, बस शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर है। तो आपको ये भी याद रखना है, निर्दिष्ट दिशा में ही तय की गई दूरी क्या होती है, हमारा विस्थापन होती है, ठीक है, होता है। विस्थापन तो मेल है, फीमेल नहीं, दूरी फीमेल है, विस्थापन मेल है। तो बटे में क्या रहेगा, सेम समय। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। तो यहाँ से दिया आप लोग, अब चूंकि देखो हम लोगों ने देखा विस्थापन क्या था, एक सदिश राशि था, ठीक है, ये चूंकि सदिश था इसलिए वेग भी हमारा क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा,
ठीक, विस्थापन सदिश है तो वेग भी हमारा क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। समय पे कोई डिपेंडेंसी नहीं मानेंगे यहाँ पर सदिश सदिश में हम लोग, तो यह एक सदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या बनेगा, विस्थापन के लिए क्या होता है मात्रक, तो आप बोलेंगे सर मीटर होता है, और समय के लिए क्या होता है सेकंड होता है, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या बनेगा, मीटर प्रति सेकंड। अब विमीय सूत्र बनाने जब जाएंगे आप, तो विमीय सूत्र में मीटर और सेकंड है, तो पीछे आपने मीटर के लिए विमीय संकेत क्या लेते थे एल, और समय के लिए क्या लेते हैं टी, तो एल टी माइनस वन, और ये आपको एम लेना है मास का, तो एम के लिए आप क्या कर देंगे जीरो, तो इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा एम जीरो एल टी माइनस वन, तो ये भी लिखा है आपके सामने, ठीक है, याद रखना है। एक छोटा टॉपिक जो आपने टेंथ क्लास में खूब पढ़ा है तो उसकी चर्चा भी कर लें, यहाँ पे बस थोड़ा सा अंतर होता है बेग और चाल में, वो आपको याद रखना है जी। कभी चाल स्पीड आए, बैग को बेग को तो आप वेलोसिटी कहते हैं, और चाल का सूत्र आपने पीछे क्या पढ़ा दूरी बटे समय। खूब सवाल किया आपने टेंथ क्लास में हमें पता है, तो चाल है हमारी दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी एक अदिश राशि थी, इसी कारण से चाल भी क्या है अदिश है, लेकिन बेग में विस्थापन है या फिर निर्दिष्ट दिशा है, तो ये सदिश राशि है। तो विस्थापन के सदिश होने के कारण वेग सदिश है, और चाल क्या है अदिश। तो पीछे हम लोग जो चाल पढ़ते थे, कई बार हम लोग विमीय हम लोगों का एक वर्ग समीकरण बनता था, और एक्स के मान दो आते थे, एक साथ में आया माइनस फोर एक आ गया सिक्स, तो अब माइनस फोर को नेगलेक्ट कर देते थे, क्यों, क्योंकि आप कोई भी दूरी तय करते घूमते थे वहाँ पे, तो क्योंकि चाल जो है एक अदिश राशि होती थी, अदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं। लेकिन जब आप लोग वेग पढ़ेंगे आगे जाके, तो वेग ऋणात्मक धनात्मक और जीरो दोनों हो सकता है, और चाल कभी जीरो और ऋणात्मक नहीं होती थी, इसलिए आप लोग वहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह की उपेक्षा करते थे, या फिर सीधी बात ऋणात्मक संख्या की ही उपेक्षा कर देते थे, और केवल धनात्मक चीज़ को अपना आंसर मान लेते थे। तो आपको ये याद रखना है चाल का सूत्र होता था या होता है दूरी बटे समय, और दूरी अदिश, इसलिए चाल भी अदिश। लेकिन आप लोग वेग पढ़ रहे हैं अभी, तो वेग में विस्थापन सदिश, इसलिए वेग भी हमारा सदिश। हाँ, दोनों के मात्रक सेम निकलेंगे, ये भी मीटर प्रति सेकंड होगा और ये भी मीटर प्रति सेकंड है, विमीय सूत्र दोनों के सेम बनेंगे यदि बनाएंगे तो, लेकिन ये सदिश और वो अदिश, इसको याद रखें और आगे बढ़ते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड वेग भी है और चाल भी है। तो अब जो आपने वेग पढ़ा पीछे, तो उसके कुछ उदाहरण हैं, प्रकार हैं। तो एक समान वेग, जब समान समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन समान होता है, जब समान समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन समान होता है, तो वस्तु के वेग को आप एक समान वेग कहेंगे। इसका अर्थ क्या है, हम कहीं से निकले, निकलते समय तो समय शुरू नहीं हुआ तो जीरो मानेंगे, अब एक सेकंड बीत गया, ऐसा ही मात्रक लेते हैं हम सेकंड, एक सेकंड बीत गया, तो एक सेकंड में हमने मान लीजिए कितनी दूरी तय की 10 मीटर। अब फिर से अगला एक सेकंड आया, तो यहाँ पे एक सेकंड का समय हो गया, यहाँ पर दूसरा सेकंड चलेगा, और फिर से हमने 10 मीटर तय की। तो समान समय अंतराल में समान दूरी या समान विस्थापित होना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान वेग। मतलब हर सेकंड में हमारी दूरी जो है समान दर से बढ़ रही है, उसको हम लोग बोलेंगे एक समान वेग। इसी प्रकार से असमान वेग में क्या है, जब समान समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन भिन्न भिन्न होता है, तो वस्तु के वेग को आप असमान वेग कहेंगे। इसको चित्र में भी कैसे समझा देंगे आप, यहाँ से निकले, ये इनिशियल है आपकी स्थिति, ये एक सेकंड के बाद की और ये 2 सेकंड के बाद की। तो इस वाले सेकंड में आपने मान लीजिए 10 मीटर की दूरी तय की है, तो इस वाले सेकंड में आप मान लेते हैं आपने 20 मीटर की दूरी तय कर ली, वेग बढ़ा दिया। तो विस्थापन या लंबाई का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस वाली गति को हम लोग नाम दे देंगे, या इस वाले वेग को हम लोग नाम दे देंगे असमान वेग। तो समान समान समय में समान समान दूरी विस्थापित होना समान वेग, और समान समय में ही असमान दूरी विस्थापित होना, लंबाई विस्थापित होना असमान वेग कहलाएगा। तो इजी शब्दावलियाँ हैं ये, तो आसानी से आप लोग कैच करेंगे और आसानी से लिख पाएंगे, इनको याद रखें, समझना भी आसान है, समझ के रखें। आगे बढ़ते हैं।